तो दोस्तों आप देख रहे हैं ईसर टेलीकॉम और मैं हूं देवेंद्र कुमार अग्रवाल। यहां पर जैसे कि आपने देखा, मैंने बताया था कि टूल्स के कुछ नए नए वीडियो लेके आऊंगा, तो एक मैं आपको ये टूल्स दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा पास आ जाइए। ये है डीसी आपका डायरेक्ट करंट। अगर हम बात करें डीसी सप्लाई मशीन, इसको डीएसपी भी बुलाते हैं, डायग्नोस्टिक पावर सप्लाई। ये मोबाइल रिपेयरिंग में आज के डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो डीसी मशीन थी वो इस तरह की कुछ आती थी, ये जो हम लेते थे 2 एम्पियर की इस तरह की मशीन लेते थे। इसमें से एक डीसी मशीन, ये चालू करो जरा, एक डीसी मशीन। तो आपने देखा होगा कि दो तरह की जो डीसी मशीन होती थी वो शुरू में 2 एम्पियर की होती थी, और जनरली जो पहले के 3G और जो कीपैड हैंडसेट होते थे उनको चालू करने के लिए 2 एम्पियर काफ़ी होता था। पर अभी क्या होता है कि अभी जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, जो ज़्यादा वोल्टेज अगर हम बात करें कंज्यूम भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी LED पे आने वाले वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाते हैं और उनके सेक्शन भी बढ़ गए हैं, तो वो ज़्यादा एम्पियर खर्च करते हैं। तो आप जैसे इसमें देख रहे होंगे, इसमें जो हमारा एम्पियर का करंट का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 एम्पियर। थोड़ा पास में ला के दिखा दो जरा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, मैं आप थोड़ा पास से हम देखा, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि 0.6 एम्पियर से 2 एम्पियर तक है। मतलब 2 एम्पियर के ऊपर अगर मान लीजिए अगर हमारा फ़ोन नहीं चालू होगा तो बेसिकली हम बात करेंगे तो ये डीसी मशीन हमारे लिए बेकार है। दूसरी बात और बता देता है कि अभी इस तरह की जो डीसी मशीन आ रही है, मैं आपको इसके फंक्शन बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको एक डीसी मशीन ये दिखाई दे रही होगी, एक डीसी मशीन ये, और एक आपको फोनकॉम की डीसी मशीन दिखाई दे रही होगी। ये कोई मेरी शॉप नहीं है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, आपने तो पता होगा। थोड़ा कैमरा घुमा दो, तो ये हमारी क्लास है, ये हमारे साथ फिरोज सर बैठे हुए हैं, मिलन सर है, और ये हमारे EMC का बैच है, और ये भी हमारा क्लास में फेयरवेल चल रहा है, आज हमारा लास्ट डेट है EMC का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस डीसी मशीन के साथ में क्या आपको चीज़ मिलेगी, ये देखिए कंपनी जो मैं इसमें बताता हूँ, कोराट की कंपनी है, काफ़ी अच्छी है, KA3005D डिजिटल कंट्रोलर है। अच्छा, इस डीसी के साथ में दोस्तों ये केबल अलग से आपको परचेस करनी पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है, केबल आप अलग से भी खरीद सकते हैं। तो इस डीसी मशीन में आपको जो ये चैनल दिखाई दे रहा है, कब सबसे बेस्ट है ये चैनल, और इस चैनल की अगर हम बात करेंगे, मैं आपको इसमें करंट एडजस्टमेंट बताता हूँ, ये सारे फंक्शन आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा किसी भी वीडियो में ये बेच तो रहे होंगे पर ये बता नहीं रहे होंगे। आपको अगर ये डीसी सप्लाई मशीन खरीदनी है अच्छी क्वालिटी में, जेन्युइन ओरिजिनल प्रोडक्ट, क्योंकि दोस्तों क्या होता है बेचते हर दुकान वाले हैं, पर वो आपको इसी में आपको कॉपी वर्जन दे देंगे सस्ते में, तो आप इस नंबर पे जो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, आप ZS मलिक को कॉल लगाइए और उनसे परचेज कर सकते हैं। डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप पर जाइए। अगर आप ईसर टेलीकॉम को सब्सक्राइब करते हैं और उनको एक फोटो दिखाते हैं कि मैंने ईसर टेलीकॉम सब्सक्राइब किया है, तो आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे तो पूरी इसी मशीन में, सिर्फ उनको जो ईसर टेलीकॉम को सब्सक्राइब करते हैं। आप देखिए, तो इस मशीन में आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहले ये है टोटल जिससे हम पावर ऑन ऑफ करते हैं, और तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दबा रखा, देखिए दोस्तों, तो ये ऑन ऑफ बटन है, जैसे इसको यहाँ से हमने ऑन करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पर टिक किया, अब यहाँ पर ये जैसे आपने दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये CC में आ चुकी है, अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगी, हमारी किसी काम की नहीं होगी, तो हमें इसको ऑन करना होगा और हमारा जो करंट है वो CC आउटपुट में आना चाहिए। अब यहाँ पर पहला बटन यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लॉक बटन दिया होगा। दोस्तों ये लॉक बटन काफ़ी अच्छा है, जैसे सपोज अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अपनी दुकान पर बैठा हूँ, मैं कहीं घर चला गया हूँ और मेरे दुकान पर ऑलरेडी काफ़ी और टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई टेक्नीशियन उसको छेड़े, तो मैं इसको देखिए यहाँ पर इसको दबाऊंगा, थोड़ा पास लेके आओ, और ये देखिए आवाज आपने सुन लिए। तो अब इसमें कोई सा भी फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये एक तरह से लॉक हो चुकी है। अगर मैं फिर से इसको दबाऊंगा, थोड़ा पास आइए, अब देखिए, तो इसका मतलब है कि अब इसमें यह हमारे जो फंक्शन है वो काम करेंगे। अब यहाँ पे जो चैनल दिए हुए हैं, ये एक्चुअली देखो यहाँ पे मेमोरी लिखी हुई है, रिकॉल जहाँ से आपने देख रहा होगा, और इसका स्लैश सेव, इसका मतलब ये है जैसे सपोज मैं यहाँ पर M3 दबाता हूँ, सर देखिए M3 में जो अभी वोल्टेज है वो 1.8 वोल्टेज है, जो एम्पियर है वो 5.1 एम्पियर का सेट हुआ है। सो अगर मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ, देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहले ये दबाना होगा, तो जैसे मुझे ये 8 को मेरे को 0 करना है तो 0 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने M3 दबाया और M3 दबाने का जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको इस वोल्टेज करंट को टिक करना है, और अब ये आपको 4 दिखा रहा है, मान लीजिए सपोज आपको 2 से 4 वोल्ट लाना, तो आपको ये जो एरो दिखाई दे रहा है लेफ्ट एंड राइट वाले, तो ये हमने लेफ्ट वाला दबाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद में ये 2 फ्लक्चुएट करना लगेगा, और इसको मुझे बढ़ाना है जैसे 4, अब मुझे इसको 2 करना है, तो मैं वापस ये करूँगा और इसको यहाँ से 2 ले आऊँगा। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज किया, अब मुझे एम्पियर, सपोज मुझे इसको 3 एम्पियर पर रखना है, तो मैं वापस ये दबाऊँगा, और मैं देखिए यहाँ पर दबाऊँगा, और यहाँ पर दबाने का ये दबाऊँगा, अब इसको यहाँ से 3 कर दूँगा, और ये यहाँ से दबा कर इसको यहाँ से 0 कर सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, तो यहाँ पर अब मैंने इसको टिक कर दिया है, तो अब ये सेव हो चुका है यहाँ पर। अब
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एज अ टेक्नीशियन हूँ, मुझे काम करना है और मुझे 3 एम्पियर यूज करना है, मुझे 5 एम्पियर यूज करना है, तो मैं जैसे ही क्या करूंगा, मैं M3 दबा दूंगा तो देखिए वो ऑटोमेटिकली 3 एम्पियर पे आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा सेव हो जाएगा। काफ़ी अच्छी मशीन है, अभी के नए मोबाइलों को ये मशीन बिल्कुल 100% ऑन करके उठा कर देती है। मैं आपको इसमें एक फ़ोन ऑन करके उठा कर दिखाता हूँ कि किस तरीके के एंड्रॉयड के फ़ोन को यहाँ पे चालू किया जा सकता है, और वही फ़ोन को मैं इस मशीन से भी ऑन करके देखता हूँ, तो देखते हैं कि दोनों में वो क्या ऑन होता है या नहीं होता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है, ये आपको ये फ़ोन ऑन करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर मसला क्या है इस फ़ोन में, मैं आपको बता देता हूँ। इस फ़ोन में इसका बैटरी पूरा ख़त्म हो चुका है, तो हमने इसको एक नए तरीके से इसको बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने एक बैटरी का स्ट्रिप लगाया हुआ है और इस फ़ोन को इसके साथ ऑन करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बीबैट की सप्लाई देंगे तो इस फ़ोन को ऑन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो आपको इंस्टीट्यूट में आके सीखनी पड़ेगी। सो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लस सिरा है और ये सिरा माइनस सिरा है, तो ये इसके साथ लगाएंगे और इसके साथ ऑन करके देखेंगे और देखेंगे कि सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है सोनी का, देखिए प्लस माइनस दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको पहले मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए अभी ऑन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अब हमने यहाँ पर इसको माइनस और प्लस में डाल दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो आपका एम्पियर दिखाई दे रहा है वो 5.1 है, 4.2 हमारा आउटपुट वोल्टेज है, तो हम इसको ऑन करते हैं। अब देखिए सी वी और आउटपुट में जा चुका है, अब हम इसको ऑन करेंगे। ये एक एंड्रॉयड का मोबाइल है, आपको दिख रहा होगा सोनी का, और ये हैंडसेट को अब हम इसको इस मशीन से ऑन करके आपको दिखाते हैं किस तरह से। जो क्योंकि अगर मैं इस मशीन से ऑन करूँ या इस मशीन से ऑन करूँ दोस्तों, ये मशीन ऑन नहीं करेगा इस हैंडसेट को। देखिए यहाँ पर नीचे वाला है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसको टिक किया, ये देखिए दिखा दीजिए, देखिए ये कंप्लीट ऑन हो चुका है, ये पूरा ऑन होगा। आप इसमें बकायदा इसका टच चला सकते हैं, इसके ऑन करने के बाद आप इसके ईएन सिग्नल चेक कर सकते हैं, आप इसमें वोल्टेज चेक कर सकते हैं, लाइट का सेक्शन हो गया, रिंगर हो गया, स्पीकर, माइक, तो सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। सो आपको मैं बताता हूँ, अगर ये मशीन खरीदना है तो दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर दिख रहे होंगे। आप अगर हमें ये दिखाएंगे कि हाँ आप अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोडार्ट की मशीन है, काफ़ी अच्छी है। एक मशीन और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए, एक मशीन यहाँ पर है, सनसाइन की मशीन है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, और किस तरह से मशीन काम करती है, और मुझे एक वीडियो आप लोगों के लिए डीसी मशीन का बना के देना है, और बहुत सारे जो टूल्स है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक USB चार्जिंग का बहुत अच्छा यहाँ पर सनसाइन का दिया हुआ है, इंटेलिजेंट फास्ट लाइटिंग चार्जर, जो ये बताता है कि सर अगर मेरे को चार्जिंग नहीं हो रही है और मुझे बैटरी करेक्टर पे तब भी 4.2 वोल्टेज मिल रहे हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये इसका डायग्नोस करके देता है कि क्या रीज़न है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसी तरह जुड़े रहे चैनल के साथ में, और अगर आपको ये मशीन परचेस करनी है, जैसे मेरी ये एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने परचेस की है, और कितने की 45 जैसे ये मशीन मेरे एक स्टूडेंट ने परचेस की है, और इसका जो दाम है दोस्तों वो सिर्फ 4,500 है। और अगर आप जैसे मैंने कहा कि Acer Telecom को सब्सक्राइब करते हो तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कितना दिन हो गया आज यहाँ पर? आज दिन। तो वो लोग हाथ उठाओ जिनको रिबॉलिंग आती है। किसको रिबॉलिंग आती है? सबसे आती है, क्या बात है। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब मुझे वो लोग हाथ उठाइए जिन्होंने CPU निकाल के लगा सकते हैं वापस और सेट को चालू कर सकते हैं। किन्होंने यहाँ पर CPU निकाल के लगा के सेट को चालू किया है? सबने किया है यहाँ पर। और जिन्होंने रख दीजिए, जिन्होंने एक से बात चालू किया है ज्यादा बार, 2 बार 3 बार, वो लोग हाथ उठाइए। सीरीज पहले चेक करना आता है? आप बताओ किस किस को सीरीज पहले चेक करना आता है? अब यहाँ पर सबको आता है। पहले दिन आए थे तो थोड़ा बहुत डाउट था कि नहीं था, क्योंकि जो भी अपन दिल से बोल रहे हैं यहाँ पर, कुछ आप ऐसा नहीं है कि बुलवाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल पहले बताओ, पहले दिन में और अब में क्या अंतर है? सर बहुत फर्क है। मैंने तो जो सोच के आया था उससे बहुत अच्छा गुण मिल गया। मैंने सोच के आया था कि क्या मिलेगा, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा शॉप है, लेकिन मैं कुछ भी आइडिया नहीं था क्या है नहीं है। तो आके यहाँ के A to Z मिल गया, जो मिलना था प्रॉपर नॉलेज मिल गया, मेरे को बहुत सेटिस्फाइड हो गया सर। दिल से सच्ची बात बोल रहा हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिकली यहाँ पर कितना मिला आपको? कितने बजे से कितने बजे तक क्लास चलती है? ये सर 12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे हो जाते हैं। सुबह कितने बजे बुलाते हैं आप लोगों को? कितने बजे भेजते हैं? 8 बजे। फिरोज ये क्या नोट्स लगे हुए हैं यहाँ पर? ये सब स्टूडेंट ने अपने आप से एंड्रॉइड के PCB को ट्रेस किया है, अपने हाथ से सर्किट डायग्राम बना के ये लोग लगाए हैं, और सारे मोबाइल का कोई भी सेक्शन हो ये सब अपने विदाउट स्कीमेटिक देखे हुए ये खुद बना सकते हैं और
ट्रेस कर सकते हैं। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं दुर्गेश, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायग्राम्स के बिना काम नहीं हो पाता है, डायग्राम से ही काम सीखना चाहिए, क्या ऐसा है क्या? नहीं, हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं बिना डायग्राम के वो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। सर्किट डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि उनको ट्रेसिंग का प्रॉपर ए टू जेड ऐसा नॉलेज कैसा दिया जा रहा है, आप खुद बताइए। ये डायग्राम हमने बनाया है दोनों, ये आप ही ने बनाया है सर? ये मेरे खुद के डायग्राम बनाए हुए हैं, सर ने सिखाया था हमें टेक्निक की, मतलब एक टेक्नीशियन होते हैं जो सिर्फ कह सकते हैं पर बहुत चीजों को समझा, पर आप अगर समझा रहे हो तो अगर मैं आपको सच बताऊं, आप सबको अगर मैं एक अपने दूसरे किसी स्टूडेंट को दे दूं बोलूं इनको सिखा दो तो आप सिखा नहीं सकते क्या? सिखा सकते हैं कि सर मैं तो सिखा भी दूंगा क्योंकि हमने सिर्फ चेक नहीं किया, हमने उसको समझा है कि वो क्या कैसे कर लीक होता है, कैसे खराब होता है, सारी चीजें प्रैक्टिकल किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि डायोड अगर पैरेलल लगा है तो उसका प्लस किधर होगा? माइनस की तरफ, माइनस की। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजा दी। सो आप बताइएगा कि वो एनपीएन है कि पीएनपी है, क्योंकि सिंबॉलिक रूप से बना रहे हैं। और आप सभी को ट्रांजिस्टर चेक करना आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर बता दिया, आप बताइए कौन सा ट्रांजिस्टर है? सर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्या है? बाकी में ही एनपीएन ट्रांजिस्टर है। वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। जहां इन्होंने आपने सीपीयू निकाल के लगाया वापस, दो बार निकाल के लगाया है, तो आपने यहाँ पे ट्रेसिंग भी की है यहाँ पर। अच्छा, और अगर आईसीओ की जानकारी मैं पूछू, आप सबसे पूछता हूँ अनिल के साथ में, कि अगर एमटीके का सीपीयू पावर वाईफाई आरएफ या फिर ऑडियो आईसी सब बता देंगे कि नहीं बता देंगे? कौन कौन बता सकता है यहाँ पर? सब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कॉलकॉम में हाथ उठा के बताओ यार, कंप्लेंट हाथ उठा के बताओ, सब बता सकते हैं ना? सर मैं 4 महीने से सर वीडियो देख रहा हूँ आपका, इंतजार कर रहा हूँ, 2 बजे रात को मैं सोता हूँ आपके वीडियो देखने के बाद। अच्छा जी, ये मैं 4 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ आने का एक एक दिन का इंतजार कर रहा था, आप मुझे बहुत खुशी हुई है। कॉइल सैमसंग में सीरीज में कॉइल लगा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं एक आईफोन दे दूं और आईफोन में बीएसआई ओपन है तो उसका बना सकते हैं? बना सकते हैं। मेन मेन जो कंपोनेंट्स उसमें मिलने वाले हैं उसका नॉलेज है, हम आप दूसरे कंपोनेंट्स को छोड़ के सिर्फ उस लाइन पे वही कंपोनेंट्स जोड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। आपको अगर सर्किट डायग्राम की बात करें, पीबी पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा? आईफोन का पीबी सप्लाई, आईफोन का पीबी अभी सर ने हमको पिछले 2 दिन में ही सिखाया है और मुझे सिखा दिया है, तो मतलब सब लोग तो कोई भी सीख सकता है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं यहाँ से आने के पहले कभी आयरन भी नहीं पकड़ा अपने हाथ। अच्छा, आप बिल्कुल फ्रेशर है? कभी आयरन नहीं पकड़ा है सर। अच्छा, यहाँ पर मैं इतना सोच के आया था कि सिर्फ मैं डिस्प्ले लगाना सीख लूंगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए करके, लेकिन मेरे साथ इतने अच्छे सर लोग हैं, इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ 4 दिनों में। बहुत बच्चे, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे सीपीयू लगा के चालू किया? यहाँ पर लगाया है सर, 1 टाइम नहीं हुआ, 2nd टाइम हुआ, 3rd टाइम में सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया और 3rd टाइम में मैंने पूरे ग्राफिक्स वाले मोबाइल को 1 टाइम में सीपीयू लगा। एक रिसीवर की लाइन है और उधर आपको क्या क्या कंपोनेंट मिल सकते हैं? सर रिसीवर की लाइन में सर हमको 2 गार्ड मिल सकते हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं, ठीक है, 3 पानी पिलाने वाले हो सकते हैं, 3 पानी पिलाने वाले हो सकते हैं। तीसरा वाला पानी पिलाने वाला कैसा लगा होगा? सर वो 2 लाइनों के बीच में पैरेलल लगा होगा। वेरी गुड, और फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद सर हम मैनेजर से मिलेंगे। मैनेजर से पर पहले एक और चीज लगी होगी वहाँ पर, चप्पल। चप्पल, हाँ सर चप्पल। मैनेजर से पहले क्या लगा होगा? चप्पल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? तुम बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखे तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छी तरीके। हाँ सर, B2B केबल टूटा हो, आईसीओ के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो नहीं, आपको प्रैक्टिकल किया है यहाँ? मोबाइल में कुछ लाइक डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो आईसीओ लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट जो वाट पेंटिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी ऐसा सिग्नल करते, वो कौन सा आता था? वो एशिया टेलीकॉम। तो यहाँ पर आपको मिला?
चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर पर मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, ये सरंजी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10 लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल, अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एसर टेलीकॉम सर्च करें, एसर टेलीकॉम लिखें और एसर टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.